नमस्कार, 3D न्यूज में आपका स्वागत है। 8 नवंबर के रोज देश के अलग अलग शहरों में श्री जलाराम बापा की 225वीं जयंती बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसी के अंतर्गत वापी के चला विस्तार स्थित ब्रह्मुख ग्रीन सोसाइटी के अनाविल देसाई परिवार द्वारा बापा की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दिन सभी भक्तों ने सुबह से ही सोसाइटी के चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर पर जलाराम बापा की पूजा आराधना शुरू कर दी थी। भक्तों ने सबसे पहले नगर यात्रा निकालकर इस उत्सव की शुरुआत की और पूरे दिन महिला भक्त भजन कीर्तन में लीन नजर आए। तो वहीं इस पवित्र अवसर पर भक्तों द्वारा बापा की 225वीं जयंती के उपलक्ष्य में 225 दिए एवं 111 दिए जलाकर बापा को समर्पित किया तथा बापा को 56 भोग भी लगाया। इस कार्यक्रम के दौरान सभी भक्त उत्साह एवं भक्ति के रंग में रंग गए थे और इस कार्यक्रम के अंत में सभी अनाविल देसाई परिवारों द्वारा सोसाइटी के सभी रहवासियों के लिए जलाराम बापा का भंडारा आयोजित किया गया था, जिसका करीब 1500 से अधिक भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। बापा की वैसे जयंती 225वीं है, मगर प्रमुख रूप से हमने फर्स्ट टाइम किया है। सब बहनों ने, अनाविल परिवार ने फर्स्ट टाइम किया है। सब बहनों ने मिलके कल रात को रंगोली सजाई थी। आज 56 भोग का आयोजन किया है और बापा की जयंती के हिसाब से 225 दीपक जलाए गए हैं और जय जलाराम बापा लिख के वो भी दीपक जलाए गए हैं। और सुबह से सब लोग को खुद का त्यौहार है, वैसे सब लोग मना रहे हैं। बहुत उसके साथ सबने जयंती मनाई और हर साल भी ऐसी मनाई, उसे बापा से प्रार्थना करते। जय जलाराम। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पापा का जो जीवन था, वो जीवन का महत्व हम आज हम सार्थक कर रहे हैं। पापा के जीवन में यही दो चीजें हैं कि भूखे को भोजन और संतों की सेवा। आज वही उद्देश्य हम चरितार्थ कर रहे हैं प्रमुख ग्रीन्स में। हम भी आज यही पूरे सोसाइटी वालों को आज हम भंडारा कर रहे हैं, वही हम पापा के जीवन से सीखना चाहेंगे और हर साल इसी तरह से मनाना चाहेंगे। 56 भोग हम लोगों ने दिवाली के बाद हम जितने प्यार से घर में एक 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 व्यक्ति के लिए मीठा तीखा सब रस घुल के जीवन में बनाते हैं, इतना प्यार से, इसी तरह हम भी चाहते हैं बापा की कृपा हमारे जीवन में 56 भोग की तरह बनी रहे। वो भी खाए, दूसरे भी खाए और हमारे जीवन में भी ऐसे रस और मधुरता हमेशा से बनी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हम सभी प्रमुख ग्रीन सोसाइटी के भक्तों की ओर से जय जलाराम। यहाँ पर चला स्थित प्रमुख ग्रीन सोसाइटी है जहाँ पर सारे हमारे जितने भी भक्त हैं यहाँ पर रहते हैं। आप देख सकते हो पीछे हमारे चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर आया है और इसी के प्रांगण में भक्त श्री जलाराम बापा वीरपुर वाले जिनकी 225वीं जन्म जयंती का उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। और यहाँ पर अनाविल देसाई परिवार के सभी सदस्य सभी परिवारों द्वारा सुबह से ही यहाँ पर भगवान के भक्त भगवान श्री की यहाँ पर नगर यात्रा निकाली गई और अभी सभी के लिए यहाँ पर जो भी सोसाइटी के हमारे 712 यहाँ पर फ्लैट है तो फ्लैट के सभी रईसों के लिए यहाँ पर महाप्रसाद का आयोजन रखा गया। सबसे खास अगर बताया जाए तो भगवान जो है वो हमेशा भक्ति और भाव से हमें प्रसन्न होते हैं, तो हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सोसाइटी के सारे छोटे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर छोटे बच्चे से लेके हमारे सारे जो भी हमारे वडील श्री है सभी और हमारी सभी बहनें हमारी माताएं सभी सुबह से ही यहाँ पर भक्त श्री जलाराम बापा की आराधना में लगे हुए। सभी ने अपने हाथों से पीछे 225 और 111 यानी कि 333 दिए भगवान को भक्त श्री जलाराम बापा को समर्पण किए हुए। प्रमुख ग्रीन सोसाइटी के अंदर ये जो जलाराम जयंती का 225वीं जयंती है वो पहली बार हो रहा है, पहली बार फर्स्ट टाइम, और उसमें सभी लोग आनंद से उल्लास से हर्ष ले रहे हैं सब लोग। तो ये हमारी मतलब अनाविल परिवार की तरफ से है और हमारे सब ये 712 फ्लैट है, प्रमुख ग्रीन हम एक ही है और हम एक साथ ही रहेंगे। हम प्रमुख ग्रीन में जो रहते हैं 712 फ्लैट, हमारा बिल्कुल ऐसा है कि हम सब परिवार, हम जो भी है जो भी प्रसंग है उसको हम सब मिलकर उसको आनंद उत्साह से उसको एंजॉय करते हैं। जलाराम जयंती है कि हमारे सोसाइटी में हम जब फंक्शन होते हैं तो हमने एक बार थोड़ा सा एक दिल में हुआ कि हम ये करना चाहिए, तो ये हुआ कि थोड़ा सा एक बोलने के बाद पूरे कमेटी ने और जो भी है उन्होंने एक हिसाब से बोला नहीं हम भी ये पसंद करेंगे। तो ये हम अभी हमने संकल्प किया था एक बार करेंगे, अभी आगे भी हम करते रहेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। जो 225वीं जलाराम जयंती है जिसका हमने आज बहुत ही पर्व से और गर्व से और आनंद उल्लास से हमने यहाँ पे आज आयोजन किया है,
उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है प्रमुख ग्रीन सोसाइटी के सभी मेंबर्स का, और प्रमुख ग्रीन के जो अनाविल परिवार है उसने आज बहुत ही भगीरथ काम किया है। और वो काम ये है कि 11 साल आज प्रमुख ग्रीन सोसाइटी को हो गया है, और 11 साल में हमने सभी धार्मिक फंक्शंस मनाए हैं, बट आज पहली बार हमने जलाराम जयंती की शुरुआत यहाँ से शुरू करी है। तो ये सबसे बड़ा भगीरथ काम अनाविल परिवार ने, प्रमुख ग्रीन ने शुरू किया है, जिसका हमें बहुत गर्व है, और हम हर साल इसको कायम रखेंगे और बहुत हर्षोल्लास से उसको मनाएंगे।